हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हम जो हैं तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 2019 में। तो इस पेपर की बात करें तो हमने जो है इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस सेक्शन को पहले से ही डिस्कस कर लिया है। आज जो है हम इसका रीजनिंग सेक्शन, हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन और करंट अफेयर का सेक्शन भी देख लेंगे, इसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नाविक और कंपास, ये यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जैसे नाविक जो है ये कंपास से रिलेट करता है, उसी तरह से आपको ऑप्शंस देखकर बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे कि विद्यार्थी परीक्षा से संबंधित है, पेन ऑफिसर से, चिकित्सक स्टेथोस्कोप से या चित्रकार कलाकार से। तो आपको बताना है कि यहाँ जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक स्टेथोस्कोप से, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा अन्य से भिन्न है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैसे हम इन अन्य ऑप्शंस को देखें तो जैसे कि डी, ई, एफ, जी, एच, यहाँ पर उल्टे क्रम में चल रहा है सीक्वेंस, और उसी तरह से एल, एम, एन, ओ, पी, यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन नंबर सी में तो आई, जे, के, एल, यहाँ पर एम होना चाहिए था ना कि एन। तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको भी देख लेते हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, तो जो इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में गिव जो है उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है वी आई ई जी, और ओवर को लिखा जाता है ई वी आर ओ। तो इसी कूट में डी आई एस के को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसे कुछ इस तरह के रूट्स में लिखा गया है, जैसे कि जी आई वी है तो इसे इस तरह से लिखा गया है, वी को यहाँ पर लिखा गया है वी, और आई वैसे ही रह गया है यहाँ पर, और ई फिर से यहाँ पर आ गया है तो ई, और जी यहाँ आ जाएगा। तो उसी तरह से जो है हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो डी आई एस के, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले जो होगा तो यहाँ पर होगा एस, एस यहाँ पर आ जाएगा, फिर आई इसी तरह से रहेगा, फिर के यहाँ पर आ जाएगा और डी। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, एस आई के डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 73 संख्या श्रेणी 5, 11, 23, 47, 95, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका रूट्स बन रहे हैं, जैसे 5 + 5 कितने होते हैं 10, तो इसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो बन जाते हैं 11। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है, तो उसी तरह से अगर हम 95 + 95 करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, तो यहाँ पर बनता है 180 190, और यहाँ पर हम +1 कर देते हैं तो इसका आंसर ये निकल कर आ जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 74 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन कि एक माह में यदि प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है तो उस माह में कितने कार्यकारी दिवस हैं। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 23 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये हमारा करंट अफेयर का सेक्शन स्टार्ट होता है। वैसे तो ये बहुत पुराना है, बट यहाँ से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे आपको इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स की, कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं करंट अफेयर सेक्शन से। तो जैसे कि 2019 विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्टॉप फॉर अस्थमा, इसे हम जल्दी जल्दी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, INS रणजीत जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से निवृत्त किया गया, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
यूएसएसआर 79 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैं अब इनके केवल आपको आंसर ही बताऊंगी। तो 79 का ऑप्शन नंबर सी हो गया और 80 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 81 जो है क्वेश्चन नंबर 81 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो ये है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। किस देश की अंतरिक्ष संस्था ने हाल ही में ज्वालामुखी बनाने के लिए क्षुद्र ग्रह पर सफलतापूर्वक विस्फोट गिराए हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र सेना ने हाल ही में संयुक्त अनुसंधान के लिए सी एस आई आर के साथ गठबंधन किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट है 87। इसाक हाइक जो विश्व के सबसे अधिक उम्र वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने किस देश के हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी, इसराइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में तरलता बढ़ाने के लिए LCR मानक संशोधित किए, LCR से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में NRI के लिए कागज़ रहित खाता खोलने की सुविधा प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2019 का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर पॉल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस भाषा के पौराणिक लोक गायक थे? तो वो थे बंगाली के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से हम इसका हिंदी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि यहाँ से हम ये हैं क्वेश्चन नंबर 132 से लेकर के 134 तक संधि विच्छेद के क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि प्रारंभ जो है इसे इसका संधि विच्छेद क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्र जमा आरंभ। न्यून जो है इसे किस तरह से लिखते हैं? तो इसे लिखते हैं नी जमा ऊन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अजंत, अजंत को किस तरह से लिखा जाता है? तो अच जमा अंत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द 135 का राइट आंसर हो जाएगा दैहिक। दैहिक को किस तरह से लिखते हैं? दैहिक, ऑप्शन नंबर इसका बी है। 136 है रणभूमि, रणभूमि किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, रणभूमि इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन, टिप्पणी किस तरह से लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कुछ इस तरह से टिप्पणी को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विशिष्ट किस तरह से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सही समास चुनिए। तो यहाँ पर जो है तो पंचपात्र का सही समास क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए द्विगुण समास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अनिष्ट, तो अनिष्ट है एक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट की बात करते हैं, पंचपात्र में जो है तो द्वंद्व समास है और अनिष्ट में तत्पुरुष समास है, और गजनन की बात करें तो गजनन में है बहुव्रीही समास। तो यहाँ पर जो है हमारा सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर का ये पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।